हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी शवस्थी ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे फिट एंड फाइन होंगे ओके okay, तो सबसे पहले तो आप मुझे uh, ये बता दीजिए वेदर आई एम ऑडेबल और नॉट आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए ओके okay, फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे प्रजेंट सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग कल uh, लाइट जाने की वजह से आई होप लेक्चर हमारे बीच में रुक गया था बस उसको आज हम कंप्लीट करेंगे ओके तो ऑडिबल है कि नहीं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ओके okay. जल्दी से आप लोग बता दो ऑडिबल सर ओके ऑडिबल हैं चलिए आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग इसमें जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं ऑलरेडी मैंने बता चुका है लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूंस है याद तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड तक पहुंच गए थे ओके okay, तो मैं एक बार uh, रि, uh, रिपीट कर देता हूं ठीक है हमारे टॉपिक जो आर्किटेक्चर ऑफ पॉपिट्री है ठीक है इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे uh, नोट्स के रिगार्डिंग आप हमारे हैंड रिटेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं नंबर यहाँ पर मैंशन है सैंपल वगैरह के लिए आप हमको व्हाट्सएप करिए हम आपको सैम्पल्स प्रोवाइड कर देंगे नोट्स आपके घर तक पहुँच जाएंगे ओके नेक्स्ट हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है टेस्ट uh, सीरीज़ की आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एप्लीकेशन जो है याद रखिएगा करंट अफेयर्स अपडेटेड इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay? और आपको यहाँ पर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं आपको सोसाइटी से लेके uh, जो भी डिफिकल्ट कोर्सेज हैं जिसके लेक्चर्स हमको मिलते नहीं है मेन्स पर्सपेक्टिव प्रलिम्स पर्सपेक्टिव कंप्लीट कोर्स आपको हमारे लेक्चर्स में अवेलेबल हो जाएंगे ओके okay? तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें ओके नेक्स्ट प्री प्लस मेन्स का कोर्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं हर बार देता रहता हूँ एप्लीकेशन uh, में आ जाइए इसमें हम एन सीरीज़ भी ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको एन लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे कंप्लीट कोर्स के साथ एन सी कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए ओके okay, तो इसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन uh, कर सकते हैं आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा ये ओके okay? जो एम पी जो स्टेट पी में मध्य प्रदेश फिल्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओके okay, वो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें अगर आप कोर्स uh, नहीं भी ले रहे हैं स्टिल डाउनलोड करके रखें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस कोर्सेज में आपको अवेलेबल हो जाएगी हाउ आर यू सर अमिता कह रही आई एम फाइन अमिता एंड आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे ओके okay? नेक्स्ट uh, uh, हमारा टॉपिक था ये कल हमें कंप्लीट कर देना था बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फेलियर ये हम नहीं करा पाए तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ओके okay? सो so, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा ओके चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो था पंचायतन स्टाइल पर Uh, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है आई होप आपको पता होगा व्हाट इज इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है क्योंकि इससे ऊपर वाला जो लेक्चर है प्ले में आप चेक करिएगा uh, उस बारह मिनट के लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन करा दिए थे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बता दो कि फर्स्ट uh, क्वेश्चन का आंसर क्या है ओके okay. तो हम आगे मूव करें uh, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे आप जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ओके okay, तो जल्दी से बता दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था कल जो हमने डिस्कस किया था ओके फर्स्ट का आंसर सी था फाइव पार्ट्स वेरी गुड तनु कह रही है करेक्ट आंसर सी स्टाइल ऑफ टेम्पल टेंकस्ट्रक्शन और नागारा स्टाइल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था वेरी गुड फर्स्ट आंसर सी था ये मैं बता चुका हूँ दो क्वेश्चन हमारे हो चुके थे थर्ड क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना था सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से बता दिए लिंगराज टेम्पल के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट थे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह भी आप बता दीजिए ओके okay, तो हम स्टार्ट करें ओके सो एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन टू का भी आंसर आप लोग जल्दी से बता दो ओके okay, सेकेंड का ए कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, है लिंगराज टाइम से सबको बताऊँ भुवनेश्वर में लोकेटेड है तो अफकोर्स आ देखिए बिंदु सागर लेक जो है उसी के पास में लोकेटेड है और कलिंगा किंग ने इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया है मैंने आपको बताया था कल ही सोमवंशी डायनेस्टी के टाइम पर ये बिल्ड uh, हुआ है ओके okay, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग था फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था ओके okay, यहाँ तक आई होप हम आ चुके थे ओके okay, और आई होप सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे जो लोग सीरियस एक्सप्रेंट्स होंगे ऑफकोर्स आ चुके होंगे नॉन सीरियस तो वैसे भी uh, टाइम पर सीरीज़ uh, वगैरह देख रहे होंगे क्योंकि उनके लिए लाइफ uh, में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है ना तो चलिए बाकी लोग जो आ गए हैं उनको डिस्कस करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर था दैट इज़ वन ओनली ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में थे हम ओके okay? थर्ड में ये फेमस श्राइन्स लिखी हुई थी और यहाँ लोकेशन लिखी हुई थी स्पिति वैली भस्कर वैली लद्दाख ओके okay? ये लोकेशंस थी ये फेमस श्राइन्स थी मैंने बताया था आपसे पूछा था इनमें से तो कौन से करेक्टली मैचड है यहाँ तक हम आ गए थे तो जल्दी से मुझे बता दीजिए थर्ड uh, क्वेश्चन uh, मैंने आपके सामने रख तो दिया था बट uh, हमने आंसर जो था वो मैंने आपसे पूछा था बताएं आप थर्ड का करेक्ट आंसर ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर यूपीएससी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ठीक है मैं आपको ये बात बता दूं है ना थर्ड का चलिए देख लेते हैं आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स क्या ये लद्दाख में है ओके okay. टैबो मोनस्ट्री मॉनेस्ट्री यस स्पीति वैली में है अच्छा ये सब लोकेटेड का स्पीति वैली कहाँ पर है कोई मुझे बताएगा लद्दाख तो चलिए सबको पता है लस्कर वैली स्पीति वैली सब लोकेटेड कहाँ पर है आल्ची लद्दाख पर है वेरी गुड तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है थर्ड करेक्ट है इसका मतलब फर्स्ट रॉन्ग है टू थ्री फोर में से कौन सा करेक्ट आंसर है बी कह रहे हैं कुछ लोग ए कह रहे हैं करमा ए कह रही है वन ओनली इस इसमें करेक्ट पूछा गया है वन ओनली कह रहे हैं सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग आई थिंक सो करेक्ट आंसर थ्री वन एंड थ्री ओनली है देखिए मैं लिख भी लिखा है तब वो जो है जो लगे स्पिति में आर्ची दैट दा, इज एट लद्दाख ये सही था ओके बट जो सेकेंड वाली थी दैट दा, इज एट हिमाचल प्रदेश और जस्कर वैली जो आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में है ओके सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है तो जस्कर वैली याद रखिये जम्मू एंड कश्मीर में है जो पूछा गया था नाको दैट इज एट हिमाचल प्रदेश तो स्टेटमेंट जो है सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है दैट इज रॉन्ग और आई होप अगर आप एक को रिमूव कर देते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को कट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है दैट इज वन एंड थ्री देखिए बट ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है आई अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं बट यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है ओके okay? सो so, किन क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ी किस्मत भी उस टाइम पर कि आपको याद हो या आपने जो पढ़े हो वो आ जाए दैट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओके ये स्पीति वैली इज इन हिमाचल प्रदेश वेरी गुड ये

क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ओके okay. कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली हो सकता है बट बत मैं बताऊं आपको लग रहा हो, है सब बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन हो सकता है ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स डिफिकल्ट बट अगर आप स्टेटमेंट रीड करें तो शायद आपको कुछ समझ में आए माउंट आबू माउंट आबू अगर कुछ लोगों ने विजिट किया होगा माउंट आबू तो देखिए क्या वो करेक्टली मैचड है कि नहीं अवतार इज एट मध्य प्रदेश ओके okay. वारा अवतार इज एट मध्य प्रदेश ओके okay. ओके okay. गुरु कर कह रहे हैं सर वन एंड थ्री आर करेक्ट सेकेंड इज़ रॉन्ग ये अगर आप लोग माउंट आबू विजिट किया होगा तो आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैंने तो विजिट किया हुआ है बट मुझे ऐसा कुछ भी वहाँ पर ऐसी कोई इमेज नहीं मिली हुई है विष्णु जी की रिमेंबर ठीक है और वारा बता रहे हैं मध्य प्रदेश में है उदय ये कह रहे हैं वारा गुरुकर कह रहे हैं उदयगिरी केव्स में है ओके ओके ठीक है तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है बाकी फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग सही है करेक्ट आंसर सी है चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर रहेगा देखिए जो वारा की मेज yes, है येस उन्होंने सही कहा है उदयगिरी केव्स कहाँ पर है कोई मुझे बताएगा ये जो उदयगिरी केव्स है

माउंट आबू में है अरे टेंपल है बट इमेज आप देखिए ना द्यूज दे इमेज ऑफ वाराफता दैट इज बोर इनकानेशन वो आपने देखा होगा ना इनकारनेशन वाली जो इमेज है ओके वो पूछा गया है ठीक है ये क्वेश्चन टेम्पल्स तो हर जगह होते हैं यार ऐसी बात नहीं है ठीक है उड़ीसा कह रहे हैं उदयगिरी गेव्स ओके करेक्ट है ठीक है और ये कहाँ पर लोकेटेड है कोई मुझे बता दें ये साइट कहाँ पर लोकेटेड है तमिलनाडु ओके ओके यस करेक्ट आंसर दैट इज एट तमिलनाडु ओके

ये कहां पर है देखिए ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हैं बट आप इसमें देखिए यहां पर इन्होंने लिखा हुआ वारा इमेज ऑफ उदयगिरी तो देख रहे हैं ना कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन घूम फिर के किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल मिल रहा है मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं उसका ये हो सकता है पूरे रॉक कट केव ऑफ एलिफेंट कहां पर है ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा तो हेल्पफुल जरूर होगा इसलिए क्वेश्चन को जरूर देखें आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे अर्लिएस्ट कौन सा बना है करेक्ट सब लोग बी की ओर मूव कर रहे हैं ओके okay. कर्ण के छेदी बनाया था वेरी गुड ओके बी की ओर मूव कर रहे हैं ठीक है ये धौली है कहां पर कोई मुझे दिस इज़ द अर्लीस्ट रॉक कट एलिफेंट एट धौली इज द अर्लिएस्ट दैट इज करेक्ट ओके बट आप मुझे आप बताइए इसकी लोकेशन uh, कहां है धौली कहां पर लोकेटेड है ये मुझे कोई बता दे सो आई एम वेटिंग विल टेल मी फिफ्थ का डी नहीं है वाराई मेज ऑफ उदयगिरी सबसे अलियस नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ ये सही है है ना ये इमेज उदयगिरी में ही है उदय उड़ीसा भी हमने डिस्कस किया दौलीज एट ओडिशा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अगर आपने कभी उड़ीसा विजिट किया है तो ज़रूर ये सब जगह कभी आपका समय हो तो लिंग राजा टेम्पल रॉक कट एलिफेंट वाराइमेजर उदयगिरी ज़रूर विजिट करिएगा उड़ीसा में ओके चलिए करेक्ट है करेक्ट आंसर ऑप्शन वह बी था ओके नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व करना है ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है कुछ फेमस प्लेसेस लिखे हो जैसे बोध गया खजुराहो शीडी नासिक तिरुपति और कुछ रीजन लिखे हो बघेलखंड बुंदेलखंड विदर्भा मालवा ठीक है ऐसे करके कुछ रीजनस लिखे हुए हैं आपको बताना कौन सा करेक्टली मैचड है तो अगर आप इनमें से इनकरेक्टली बता सकते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा वॉट आई थिंक सो ओके देखिए कोई इनकरेक्टली मैचड है तो आंसर जल्दी आ जाएगा और अगर इन करेक्टली नहीं है तो वन टू थ्री फोर फाइव आंसर हो सकता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओके तो एक बार जरूर चेक करें आप कि सर करेक्ट आंसर क्या है आई एम वेटिंग का सी कह रहे हैं टू एंड फाइव खजराहो बुंदेलखंड अच्छा खजराहो से जो होगा टू तो सही है टू सब में है लेकिन उससे कुछ बात नहीं बन रही है है ना बोध गया बघेलखंड अच्छा कोई कोई बिहार से अगर कोई लेक्चर देख रहा होगा तो तो कह रहा होगा सर कहाँ हमारे बिहार में बोध गया कहाँ बघेलखंड मध्य प्रदेश का पार्ट है है ना तो ये जो है बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश के अगर आप ईस्टर्न पार्ट में उसे बघेलखंड कहते हैं बघेली रीवा बहुत फेमस प्लेस है बघेलखंड का तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है फर्स्ट रॉन्ग है सीधे आंसर लीजिए दैट इज सी टू एंड फाइव ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है नासिक मालवा लिखा हुआ ये भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट है मालवा ठीक है मालवा बेल्ट अगेन नासिक में नहीं है ये भी रॉन्ग है वैसे तो ये भी सही है ओके बट खजराहो बुंदेलखंड में है येस दैट इज करेक्ट ओके तो करेक्ट आंसर जो है करेक्टली पूछा गया दैट इज टू एंड फाइव ओके तिरुपति और खजुराहो जो है वो सही मैचड है ओके बोध गया बिहार में है एक्जैक्टली हाँ तो बघेलखंड तो मध्य प्रदेश का पार्ट है तो दैट इज रॉन्ग ओके आई होप इट इज एन ईजी क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछेंगे तरीके देखिए वो ऐसे डिफिकल्ट चीज पूछते हैं या तो फिर या तो किसी को नहीं बनती या तो वो ए, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं या तो ईजी पूछते हैं आपने पढ़ के होगा आपको बन जाएगी सेकंड लेवल पूछते हैं इजी डिफिकल्ट मिक्सअप रहता है बट जनरली लोग समझ नहीं पाते कि इजी क्वेश्चन है और छोड़ देते हैं और तीसरा होता है डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ठीक है उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है इजी क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो लोग छोड़ रहे हैं उन पे work पर वर्क करना आपका कट ऑफ कोई नहीं रोकेगा एक बात ध्यान रखना ठीक है तो एलिमिनेट करके आ गया येस yes. तो करेक्ट आंसर आ गया दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवन मॉन्यूमेंट फेसिंग नियर यमुना अब यमुना रिवर के पास कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं अब देखिए तीन मॉन्यूमेंट लिखे हैं अब हो सकता है आपको नहीं पता हो कि मॉन्यूमेंट्स हैं यमुना के पास के नहीं बट स्टिल इसमें देखिए एक तो ताजमहल बेबी ताजमहल लिखा हुआ है इमाद जिसको कहते हैं ओके okay. क्या यमुना रिवर के पास है ये ठीक है ये स्टेटमेंट है ना चीनी का अब ये अब आपको पता होना चाहिए पहले ये लोकेटेड कहाँ है नहीं भी लोकेटेड है रिस्क ले सकते हो इट्स अप टू यू नहीं लेना है तो आप इसको लीव भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है सेवन uh, का डी गेस किया आदित्य ने ओके okay. और कोई डी जैसा पढ़ना भी डी गैस कर रही हैं, ओके देखिए ये शायद आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है ओके अब लोग डी की ओर मूव करें ये डी इज द आंसर देखिए कभी कभी गैस भी सही हो जाता है ये तीनों प्लेसेस जो है मैं आपको बता दूं याद रखिएगा ये सब जो है आगरा आगरा में लोकेटेड है ओके और ये सारे ही यमुना के पास हैं ठीक है सो दिस इज करेक्ट तो कभी कभी रिस्क भी अगर आप पांच क्वेश्चन रिस्क लोगे तो एटलीस्ट थ्री सही होने के चांसेस हैं ये याद नहीं कर सकते ऐसे कौन सी रिवर के पास है बट स्टिल मैंने आपको बता दिया याद रखिए कभी आ जाए एग्जाम में तो जरूर इसको करेक्ट मार्क करिएगा ओके चलिए क्वेश्चन नंबर एट अजंता और महाबलीपुरम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इसमें कॉमन क्या है ये आपको बताना है थ्री स्टेटमेंट गिवन ओके पहला है बोथ व बिल्ट इन द सेम पीरियड दोनों ही एक पीरियड पे बिल्ट हुई हैं अजंता और महाबलीपुरम ओके okay. uh, इनमें रिलीजियस डिनोमिनेशन सेम है सेकेंड स्टेटमेंट है और रॉक कट मॉन्यूमेंट है इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके okay. uh, सबसे पहले बहुत सारे लोग लेक्चर देख रहे हैं बट स्टिल उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बट आप लेक्चर जरूर देख रहे हैं ओके okay, तो प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो दो मिनट के लिए साइज छोटा करके उसको लाइक जरूर कर दें उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें दैट वुड बी मच बेटर इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग और उसको अप्रिशिएट नहीं करना कोई मतलब नहीं आप जा भी सकते अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो ओके okay, तो ज़रूर इस चीज़ को देखें आप है ना और इसका भी करेक्ट आंसर बताइए क्या है ओके okay, बी की ओर सब लोग मूव कर रहे हैं अजंता वाज अर्लियर वन ओके अजंता अर्लियर वन है ओके फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अजंता अर्लियर है ठीक है रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या सेम है नहीं ये भी नहीं आप ये कह रहे हैं थर्ड सही है दैट इज ओनली बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट यस चलिए मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूं देखिए यहां पे लिख रखा है अजंता आप देखिए बीसी के टाइम से लेके एडी तक बना है ठीक है और जबकि ये जो है ये एडी में बनी हुई है ठीक है तो दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है रीजन बुद्धिस्ट केव है जनता ये हिंदू टेम्पल है तो रिलीजन भी अलग अलग है येस रॉक कट केव जो है दोनों का ही कॉमन फीचर है तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट रेस्ट वन और टू स्टेटमेंट क्या थे दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट ओके तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर दैट इज रॉक कट केव्स ओनली ओके ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अभी तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से करेक्ट बताना है लेट्स रीड टू द स्टेटमेंट सबसे पहले क्या जो बदामी वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है ठीक है दूसरा जो बारह बारा रॉक कट केव्स हैं वो ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय द बायपर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी ओके okay, कि ये केस जो है फॉर आजीविकास के लिए और एलोरा केस था मेड फॉर डिफरेंट फेथ ओके एलोरा डिफरेंट फेथ्स के लिए बनी है अजंता जैसे बुद्धिस्ट के लिए है सो so एलोरा आपको पता होना चाहिए किसके लिए बनी हुई है दैट इज इंपॉर्टेंट ओके तो बताइए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है ये पूछा गया है तो बताई होप सो सोयद करें ए ओके okay. गुरुकर भी कह रहे हैं ए अमिता भी कह रहे हैं ए सैयद भी, भी कह रहे हैं ए ओके विजयलक्ष्मी ए क्यों चलिए ठीक है देखिए अगर आ, नूतन डी कह रही है देखिए नूतन जो तो बार सत्यारा रॉकेट केव्स है ना अजीविकास के लिए थी बट इसको चंद्रगुप्त तो मौर्य ने नहीं बनाया था है ना बताइए किसने बनाया था, था। कि चंद्रगुप्त तो मौर्य तो आपने सुना ही नहीं होगा बताइए कोई मुझे बताइए द बारह बारह रॉकेट केव ओरिजिनली मेड फॉर अजीविकास बाय द एम्प्र किस एम्प्रयर ने बनाया था कोई मुझे अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर बता सके एलोरा तीनों के लिए है वेरी गुड तनु थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है उसने देखिए इससे आंसर निकाल लिया क्या बात है तो इससे आंसर आपने निकाल लिया है अच्छा नहीं थर्ड डिफरेंट फेथ के लिए अरे सही तो है ये सॉरी 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 थर्ड तो सही है ना यार थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट थर्ड तो डिफरेंट फेथ तो लिखा है सिंगल फेथ तो नहीं लिखा हुआ है ओके बाय अशोका यस बाय अशोका ओके तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है सेकेंड रॉन्ग है तो मतलब वन रॉन्ग है ओके okay, फिर देन फोर्थ रॉन्ग है अब बचा वन और में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay? और में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है यस ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एलोरा केव्स बहुत सारे धर्मों के लिए है है ठीक डिफरेंट फेथ के लिए और बारह बारह है बारा बारा केस न, केव है ना ये ओल्डेस्ट केव मैं आपको बताऊं द ओल्डेस्ट केव जो है वो है बारह बारह रॉकेट केव्स अब जल्दी से मुझे बता दो बारह बारह रॉकेट केव्स केव कहां पर लोकेटेड है और बदामी केव्स कहां पर लोकेटेड है तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ओल्डेस्ट जो सर्वाइविंग रॉकेट केव्स है वो है बारह बारह रॉकेट केव्स ओके okay, दोनों की आप मुझे लोकेशन बता दिए करेक्ट आंसर सी है yes. दैट तो okay, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी का 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किए जा रहे हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं अगर आपने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हो तो आपके सही हो जाते हैं ओके okay. बदामी केव्स वेरी गुड कर्नाटका में है बदामी याद कर लो कर्नाटका में है और बारह बारह गेवस इट बिहार ओके वेरी गुड वेरी गुड ओके सो करेक्ट आंसर आप लोगों ने दे दिया है विच इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए आगे मूव करें अगर आपको समझ में आ गया देखिए सब यहां पर मेंशन कर दिया है मैंने है तो ना कि सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है सब बता दिया हिंदुज्म बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए है दैट इज दैट केव ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ सन uh, टेमल अगर आपको पता हो नहीं भी पता होगा स्टिल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट होंगे वो तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं बट स्टिल मध्य प्रदेश स्टूडेंट से तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा देखिए यहां पर कुछ फेमस सन टेम्पल लिखे हुए हैं ठीक है अब आपको बताने में से कौन से सन टेम्पल हैं ओके तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इनमें से एक तो मध्य प्रदेश का है सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए ओके okay, आपने डी बोला ओके डी इज नॉट द आंसर क्योंकि शायद आप आदित्य मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं इसलिए आपका गलत है ओके आ, ए इस आंसर ठीक है गुरुकर कह रहे हैं ए गुरुकर क्यों ए बोला आपने और यशस्वी राव ए क्यों बोला सैयद ने ए क्यों बोला है? कोई मुझे इसका आंसर बताएगा, वाई दे हाँ बीन चूजिंग द ऑप्शन नंबर ए।, ए क्यों चूज कर रहे हैं आप अमरकंटक एमपी से हो यार फिर कैसे एमपी से हो आप अच्छा अमरकंटक एमपी में है ओके ओके ठीक है अमरकंटक ओमकारेश्वर फॉर शिवा वेरी गुड गुरुकर अगर कोई अमरकंटक और ये ओमकारेश्वर गया है यार तो अम ओम कारेश्वर तो शिव जी का है ना यार है ना तो कहाँ से सन uh, टेम्पल हो जाएगा ओके okay. ओमकारेश्वर फॉर शिवा टेम्पल यस वेरी गुड इट इज फॉर शिवा टेम्पल ओमकारेश्वर शिवा टेम्पल है तो थर्ड अगर मैं कट कर दूं मेरा सीधे आंसर आ जाता है तो जो मध्य प्रदेश के लोग होंगे उन्होंने ओमकारेश्वर विजिट किया होगा इट इज नॉट अ सन टेंपल मैं आपको बताऊं ठीक है तो ये एमपी के स्टूडेंट्स के लिए इजी क्वेश्चन था बट जो एमपी से नहीं है मे बी वो कंफ्यूज हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बट स्टिल आप लोगों तो ने गलत आंसर मार्क किया ओके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी किस तरह सॉल्व करना है जरूरी नहीं है अब जितने भी सन टेम्पल है आप उनके नाम लर्न करने बैठ जाओ इट इज इंपॉसिबल आप टेम्पल के लिए लर्न कर सकते हो इतने सारे ओके आप क्या करो आप देखो इसमें देखो कौन सा नहीं हो सकता का तो विजिट किया होगा आपने, ठीक है और अगर आपको मैं देखिए सारे मैंने हाँ लॉर्ड शिवा के लिए अभी कुछ देर पहले लोगों ने बताया कि सर ये शिवा टेम्पल है okay? so ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन स्वर से ईश्वर यानी कि लॉर्ड शिवा वाह क्या बात है मोनिका बहुत अच्छी बात है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर लोकेटेड इन केरल स्टेट इनमें से कौन से टेम्पल केरल में लोकेटेड है अब देखिए अब क्या केरल के टेम्पल्स हम याद कर सकते हैं आर सो मेनी टेम्पल्स इन केरल बट स्टिल लेट्स हैव दो थिंग केरल में कौन सा हो सकता है पद्म स्वामी टेम्पल शायद आपने हो बड़ा फेमस टेम्पल है कुछ तो न्यूज में भी है ओके सो डी गेस्ट uh, कर रहे हो क्या डी देखो तो कभी कभी गेस करना भी गलत हो जाता है वट आई थिंक सो ओके तो डी इज नॉट द आंसर चलिए जो लोगों ने डी किया हर बार ऐसा नहीं है गेस करोगे आंसर आ जाएगा ओके okay. कुछ कुछ तो याद भी करना पड़ेगा ओके okay. क्या सारे टेम्पल केरल के हैं है ना आई डोंट थिंक सो ऑल टेम्पल्स बिलोंग टू गेस्ट आई नो इट वाज अ गेस्ट ओके कोई बात नहीं रिस्क लेनी है गलत है कोई बात नहीं है yeah, ना nah? तो इससे दो चीज़ तो समझ में आई जाएगी ये वाला जो लास्ट वाला टेम्पल है ना ये केरल का नहीं है है ना प्रयागराज स्वामी टेम्पल इज़ नॉट बिलोंग टू केरल ओके okay. uh, साउथ इंडियन ने ने नेम्स हैं इसलिए गेस्ट किया ओके okay, सुर भी ठीक है साउथ इज डिफिकल्ट सर बिल्कुल तो सही हैं, साउथ डिफिकल्ट होता है बट करेक्ट आंसर इसका बी है वन एंड टू जो थर्ड वाला टेम्पल दिया हुआ है दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ऐसे याद कर लो अब याद करो टी से टी याद कर लो ठीक है कभी कभी कुछ कुछ गेस्ट तो याद करने पड़ेंगे यार देखो एग्जाम में आपको Uh, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे कुछ नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी इसलिए हमेशा एक क्वेश्चन बना के चलना चाहिए कुछ गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ओके okay. टेम्पल्स याद नहीं कर सकते बट स्टिल अगर याद रहे तो अच्छी बात है ये टेम्पल कहीं आ गया एग्जाम में हेल्प मिल गई लो किसी कट करके आंसर आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे सर ये पढ़ा था वहाँ पर और आ गया क्वेश्चन

इलेवेंथ का बी ट्वेल्थ का ए और बी ओके okay, और ओके ठीक okay, है ए और बी बोलना चाह रहे हैं मतलब पे हो ओके सुर ए के साथ जा रही है जॉन मार्शल येस जॉन मार्शल इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ये एलेक्जेंडर कनिंगम निगम याद रखे वेरी फेमस पर्सनैलिटी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ये करेक्ट है ना और इसका लेकिन करेक्ट आंसर तक्षशिला का याद रखिए जॉन मार्शल है ठीक है तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ओके तो लेक्जर किंगम भी याद रखिएगा फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ओके तो आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें आई होप सो यस है ना तो याद रखिएगा और तक्षशिला एट प्रेजेंट अगर बात करू तो पाकिस्तान में लोकेटेड है ठीक है एट प्रेजेंट ओके चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंडियन पॉपिट्री के बारे में अब इंडियन पपेट्री के बारे में स्टेटमेंट है अब हो सकता है इंडियन पपेट्री शायद आपने कठपुतली सुना होगा बड़ा फेमस है राजस्थान का कठपुतली डांस ओके तो देखिए यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं अब आपको स्टेटमेंट पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो चलिए तो करेक्ट पढ़ने आपको आप इनमें से अगर कोई इनकरेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिलता है तो पढ़िए आप सारी चीज को ठीक है पपेट्री टाइप्स हैं स्ट्रिंग पपेट्री होते हैं रॉड पपेट्री होता है ठीक है तो ये सब आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ आर्कोलॉजी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वेरी गुड दामोदर शर्मा करेक्ट है आपका ठीक है सैयदर्टींथ का बी कह रहे हैं ओके सैयद भी बी कह रहे हैं आ, अच्छा पपेट्री के टाइप्स आपने पढ़े होंगे एक स्ट्रिंग पपेट्री होता है तो रॉड पपेट्री होता है है ना शैडो पपेट्री भी आपने सुना होगा ओके तो चलिए सबसे पहले बताइए ये कटपुतली क्या ये स्ट्रिंग पपेट्री है यस yes, कटपुतली तो राजस्थान में स्ट्रिंग पपेट्री है क्या यमपुरी क्या ये भी स्ट्रिंग पपेट्री है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था कटपुतली इज अ स्ट्रिंग ओनली येस करेक्ट है और यमपुरी के बारे में बताइए देखिए पपेट्री के टाइप्स और वो कहाँ पर लोकेटेड है अलग अलग नाम से कटपुतली तो बहुत फेमस है राजस्थान सब बता देते हैं बट और भी पपेट्री के टाइप्स हैं वो आपको पता नहीं होते मैंने बताया था एग्जाम के लिए जरूर याद कर लीजिएगा ओके okay, यमपुरी रॉड पपेट्री है ये करेक्ट है रॉड से परफॉर्म किया जाता है तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था बाकी देखिए अगर आपने करेक्ट रॉन्ग पकड़ लिया है देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज वन एंड टू ओनली डोंट ट्राई टू लर्न क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं होती है है ना और इन्होंने कुछ देर पहले मुझे बताया भी यमपुरी जो पपेट्री है वो रॉड पपेट्री है जो कि बिहार में है और कठपुतली स्ट्रिंग पपेट्री जो कि राजस्थान में है. बाकी दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए थे वो सही थे ओके सो कन्फ्यूज नहीं होना है प्लीज पपेट्री को याद करके रखिए इस बार मेरा मानना है एक क्वेश्चन आपको पपेट्री से जरूर देखने को मिलेगा ओके सो पपेट्री एटलीस्ट बेसिक याद कर लो जैसे कि एक क्वेश्चन देखो आगे भी दिया हुआ है दैट इज दिस ये भी कुछ पपेट्रीज लिखी हुई हैं जैसे अभी यमपुरी आपने कुछ देर पहले मुझे बताया ओके okay? और यहाँ स्टेट लिखे हुए हैं आपसे बोला कि इनकरेक्टली कौन सा मैच है करेक्टली नहीं इनकरेक्टली तो अब आप बता दीजिए मुझे इनमें से इनकरेक्टली कौन से मैच हैं अभी आपने बोला यमपुरी सर बिहार की है उससे पहले ही क्वेश्चन था जो कि एक रॉड पपेट्री थी ओके, तो थर्ड अगर करेक्टली मैचड है ओके, सो दो ऑप्शन में तो हम सीधे आ जाते हैं ठीक है तो देखिए इससे तो पपेट्री याद करके रखोगे तो तो ज्यादा बेटर है ओके कटपुतली क्या ये उड़ीसा की है है ना तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है ओके सॉरी करेक्ट नहीं इन पूछा गया है करेक्ट नहीं पूछा गया इन का सी वन टू फोर वेरी गुड क्योंकि अभी मैंने बताया राजस्थान से है तो उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता है ना और यमपुरी बिहार है तो ये तो सही है और गलत पूछा गया है तो आंसर आ जाएगा सी वन टू फोर मतलब वन टू भी इनकरेक्टली मैच था आपके दिमाग में होगा इन सब की कहां पर लोकेटेड है देख सकते हैं मैंने सारा लिख रखा पहली वाली कर्नाटका में है दूसरी उड़ीसा में है यमपुरी बिहार कटपुतली दैट इज एट राजस्थान तो इनकी पवेट्री याद रखिएगा फिर से मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है और जितनी टाइप्स की है वो भी पढ़ लीजिएगा शेडो कौन सी हैं रॉड कौन सी हैं है ना ये सब आपको याद होना चाहिए ओके सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी वन टू एंड फोर ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी चौसठ योगिनी टेम्पल शायद ये टेम्पल आपने देखा होगा जो मध्य प्रदेश से है मुरैना डिस्ट्रिक्ट साइड से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है जो मध्य प्रदेश से नहीं है कोई बात नहीं तो उनको मैं ये टेम्पल के बारे में बताऊंगा बड़ा अच्छा है आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा अबाउट दिस चौ चौसठ योगिनी टेम्पल मैं इसका आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा दैट इज़ वेरी फेमस ओके स्टेटमेंट है ये एक सर्कुलर शेप में है जो कि एक डिज़ाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट से लगता है कि उसी से इंडियन पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया गया इसी के डिज़ाइन से और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ओके तो फिफ्टीन का बी कह रहे हैं टू ओनली ओके यशस्वी राव सी कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट ओके भी सी कह रही है यस yes, uh, जो लोग सी कह रहे हैं यस बोथ आर करेक्ट दैट इज बोथ वन एंड टू देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये है चौसठ योगिनी टेम्पल जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है अब तो शायद फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि वो इंडियन पार्लियामेंट से मैच करता है अब आप लोग उसको गलत नहीं बोलेंगे आ, 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 तो आप इसकी इमेज देख सकते हैं और आप तुरंत कहेंगे नहीं सर इंडियन पार्लियामेंट से बिल्कुल मैच कर रहा है इससे मैंने इमेज आपके सामने बना दी है इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो ओके सो देखिए दिस इज इम्पॉर्टेंट तो याद रखिएगा uh, मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये बात सही था ओके okay? और टेम्पल वॉज बिल्ट बाय uh, किंग देव पाला ये भी मैंशन है यहाँ पर और जो पार्लियामेंट है आपका यहीं से इंस्पायर्ड है ओके सो याद रखिएगा Uh, कैसे आपको यहां मैजिक एंड चार्म्स के लिए फेमस है यस निष्ठा करेक्ट है ओके बट रिमेंबर पार्लियामेंट यहीं से आपका फेमस हुआ है ओके okay, इसी यहीं से डिजाइन किया गया है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है द्रविडियन का या साउथ इंडियन टेम्पल्स का कौन सा फीचर नहीं है नॉट द फीचर ऑफ साउथ इंडिया और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कौन सा फीचर नहीं है ये आपको मुझे बताना है ठीक है साउथ इंडिया का फीचर नहीं है पहला द्रविडियन टेम्पल वॉल से एनक्लोज रहते हैं ठीक है थीके? है ना साउथ इंडियन टेम्पल में ग्रभ गृह होता है यूजली फाइंड ऑफ इमेजेस जहां रिवर गॉडेस कावेरी और कृष्णा की इमेजेस होती हैं लार्ज वाटर रिजर्वोयर आपको टेम्पल टैंक मिलता है आपको साउथ uh, इंडिया में तो कौन सा फीचर नहीं है ये पूछा गया फीचर है ये मत बताना मेरे भाई देर थ्री टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नगारा स्टाइल द्रविडियन स्टाइल एंड दैट इज वर्सर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ अप्लीकेशन को डाउनलोड करो वहाँ मैंने आर्ट एंड कल्चर में ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं ओके okay? तो नॉट द फ्यूचर वन एंड टू नहीं नहीं बिल्कुल द वेडियन टेम्पल अगर आप देखेंगे आ, कहते थे साउथ की जो टेम्पल्स हैं वो वहाँ पर वॉल्स इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि उनका हेरिटेज और उनका सोना वगैरह ये सब भी टेम्पल्स में रखते थे तो इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज से वॉल्स बनाई जाती थी तो पहला स्टेटमेंट तो सही है Okay, wall and tank are the feature of South Indian temple. Yes, wall and the tank are the South Indian feature. The one or three are correct.

कंदरिया टेम्पल स्तूपा है दश अवतार टेम्पल आपको मैच द फॉलोइंग करना है और मैच द फॉलोइंग के लिए यहाँ पर आपके सामने मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है आपको करेक्टली मैच करना है मुझे बताना है, करेक्ट आंसर क्या है ओके तो लेट्स डू द मैच द फॉलोइंग उसके हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को ना नॉट कावेरियन कृष्णा गंगा यमुना अगर आप कर दोगे तो नॉर्थ इंडिया का टेम्पल का स्टाइल हो जाएगा पहली बात तो, तो यस यंगा यमुना करके आप नॉर्थ इंडिया में जा सकते हो है ना करुणा सेवनटीन्थ का बी टू फोर वन थ्री ओके साची स्टूपा ओके कार्ले केव दैत्या हॉल ओके देवगढ़ दश अवतार टेम्पल ओके खजराहो खंदरिया महादेव ओके ओके यस बी जो है ठीक है सही है इसमें ज्यादा दिमाग लगाना था ये एक्चुअली यूपीपीसी एस में आ चुका है यूपीपीसी एस हमेशा क्वेश्चन ऐसे देता है एक मैच करो आंसर आ जाता है

ंडटमेंट उन्होंने रोड बिल्ड की थी कंसोलिडेट करने के लिए ओके okay, और उन्होंने गोल्ड कॉइन दम इंट्रोड्यूस किया था तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग शेषा शेरशाहरी ओके तो वेरी फेमस पर्सनालिटी शेषा शाह की बात की जाए ओके okay, बहुत फेमस रहे हैं शेषा शेर okay, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए जो मेरा क्वेश्चन है ओके okay, करेक्ट आप वन टू थ्री सब सही है गोल्ड कॉइन इशू किया था दम गोल्ड था कि कॉपर था ऐसी पूछ रहा हूँ आपसे इट इज गोल्ड और कॉपर सी कह रहे हैं वन टू थ्री ओके तो ही इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन कॉल दम और कॉपर कॉइन नोन एज दम दम वॉज अ गोल्ड है क्या आई डोंट नो ओके आ तो कोई बात नहीं इट वॉज नॉट गोल्ड इट वॉज अ कॉपर ओके ये कॉपर था तो थर्ड स्टेटमेंट कट करो है ना तो so अभी uh, सही आंसर देना है तो ए बी और डी में से करेक्ट आंसर होगा ओके okay. दामोदर डी कह रहे हैं वन एंड टू ओके यस डी इज द करेक्ट आंसर ओके दागो ये दागो चेहरा सिस्टम याद रखिएगा रिवाइव किया था इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था कोई मुझे बताएगा दागो चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था ठीक है uh, दाग तो घोड़ों के हॉर्स ब्रांडिंग था ठीक है हॉर्स पे ब्रांड लगा दिया जाता था, था कि ये हमारा हॉर्स है इस तरह का ओके okay, तो करेक्ट uh, आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2 ओके अलाउद्दीन खिलजी यस आदित्य सही है ओके okay, तो देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है जो दाग और याद रखेगा ये मेंशन है यहाँ पर कि कॉपर कॉइन था वो दाम ओके okay, और अलाउद्दीन खिलजी याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग ऑफ फॉर्सेस कॉलर दाग सिस्टम है ना और सोल्जर्स के याद रखिएगा मैं आपको बताया बायोमेट्रिक एक तरीके से इन्फॉर्मेशन रहती थी अबाउट सोल्जर्स वो चेहरा सिस्टम में होता था ठीक है तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है दाग एक मार्क होता था

क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी पहला है हम्पी कैपिटल रही है विजयनगर एम्पायर की ओके तो तुम बता के साउथ में है कृष्णा टेम्पल एट हम्पी वॉज बिल्ड बाय कृष्ण देवा आया ओके ऑफ तलुवा डायनेस्टी ओके थर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हम्पी तो बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग uh, हम्पी ओके आई एम वेटिंग हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर ओके डी की ओर मूव करें यस ऑल द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है है ना हम भी कर्नाटका में है, है ना और जितने भी स्टेटमेंट दिए गए थे सारे ही सही थे ओके okay, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट हाउस और चंडीगढ़ की कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है पार्लियामेंट हाउस लिखा है एडविन लुटेंस और चंडीगढ़ का लिखा है ली ऑफ बोसर है ना तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैचड है ये आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचड ओके वेट विल गिव मी द करेक्ट आंसर

डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है लेट्स मार्क द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का ए यस करेक्ट आंसर दैट इज इलतुतमिश याद रखिएगा वेरी फेमस सिल्वर टंका कॉइन लिखे, सीधे आंसर हो जाता है टंका बाय इलतुतमिश येस वेरी गुड

ए कह रहे वन एंड थ्री यस वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर सेकंड वाला जो है टैंक बनाने वाला दैट इज साउथ इंडिया आर्किटेक्चर दैट इज दिडियन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वे डू यू फाइंड द रॉक कट टेम्पल द द्रौपदी रथ ठीक है द्रौपदी रथ पांडव के जो रथ है ये कहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एलोरा में महाबलीपुरम में एल्फेंटा में बदामी में तो बताइए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट महाबलीपुरम की ओर लोग मूव कर रहे हैं यस yes. कहाँ पर लोकेटेड है महाबलीपुरम Somebody कैन टेल मी स्टेट विथ स्टेट द्रौपदी रथ याद रखिए कि ये सब आप रॉकेट टेम्पल्स हैं ये आप वहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु येस yes, समिता करेक्ट है तमिलनाडु ओके okay? तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आल्सो द अदर देआर ऑफ ऑल पांडव ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ आपको बताना है कौन सी सिटी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में है ग्वालियर ओरछा मसूरी है ना आपको इसमें द करेक्ट आंसर मार्क करके देना है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ओके स्मॉल रथ यस करना करेक्ट है स्मॉल रथ स्मॉलेस्ट है ना चलिए बताइए इनमें से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में कौन सा है द्रौपदी यस राहुल सही है है ना बाकी रद्द भी आप पढ़ सकते ट्वेंटी फोर्थ ग्वालियर ओरछा मसूरी द लार्जेस्ट रथ यस निष्ठा करेक्ट है ट्वेंटी फोर्थ का ए की ओर मूव करें कुछ लोग बी मूव करें आ, मसूरी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट में है क्या तो आप मुझे ये बताइए सही नहीं आ रहा है अभी तक किसी का भी आंसर यस uh, yes, दामोदर शर्मा सही दे रहे हैं शिवांगी सिंह सही दे रही है यस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दैट इज है्वालियर एंड ग्वालियर एंड ओरछा प्लीज आप लोग पढ़ें इस चीज को मध्य प्रदेश तक अगर आप होंगे इंपॉर्टेंट so, क्वेश्चन अभी न्यूज में भी था करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी ओके लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज सॉरी क्लासिकल लैंग्वेजेस मैं बता रहा टोटल सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ओके okay. आपसे पूछा गया है कौन सी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस में आती है गुजराती कन्नड़ या तेलगु विच स्टेटमेंट इज करिएिफ्थ का ओके okay. कि क्लासिकल लैंग्वेजेस में कौन सा आता है जलपुर एडेड यस निष्ठा करेक्ट ट्वेंटी फिफ्थ का सी सुरभि कह रही है ये टू एंड थ्री दैट इज़ कन्नड तेलगु यस गुजराती इज नॉट अमंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस ये सारी सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू ईयर मैंने लिख दिया है सबसे पहले तमिल है 2004 में देन तेलगू 2008 में संस्कृत 2000 सॉरी तमिल 2004 में संस्कृत 2005 में कन्नड 2008 में तेलुगु 2008 में, में मलयालम 2013 में और लेटेस्ट जो ऐड हुई है दैट इज ओडिया टू में ओके okay? तो यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको ओके okay? तो यस वी हैव डन यस yes, आदित्य सही बताया क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए ओके सो वी हैव डन विद द सीरीज ओके ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो तो हमने एक तरीके से बहुत पोर्शन कंप्लीट कर दिया आपका ओके okay, और अब आगे जो भी सीरीज होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओके okay, uh, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि वेदर वी शुड स्टार्ट विद करंट अफेयर्स और नॉट ओके सो मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर सकते हैं हम ओके प्रैक्टिस क्वेश्चन की है ना ट्वेंटी वन आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव अमिता कह रही हैं गुड है ना इसी बने आपने प्रिपरेशन की होगी आई होप पढ़ा भी होगा आप लोगों ने ओके okay. बहुत गर्मी हो गई ऑलरेडी आज है ना थैंक यू सर फॉर लेक्चर ओके तनु तनुरी लाइव लेक्चर आदित्य अभी लाइव का विल विल थिंक अबाउट दैट ओके बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन बिजी इन अदर एक्टिविटीज़ आल्सो है ना तो so, ये भी एक ऑप्शन है थिंक अबाउट दैट करंट अफेयर्स ओके करंट अफेयर्स मैपिंग वर्क ओके मंथली करंट अफेयर्स यस सैयद वी आर प्लानिंग की मंथली करंट अफेयर्स इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके डू शेयर आर लेक्चर अगर आपको लेक्चर पसंद आया और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने ग्रुप्स जो हैं आपके उसमें आप जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं ना कॉलेजेस के ग्रुप होंगे स्कूल्स के ग्रुप होंगे आपके फ्रेंड्स के ग्रुप होंगे आप उस ग्रुप में ज़रूर हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें ओके okay. तो विद uh, नो लाइफ नो मोटिवेशन फॉर कॉम्पिटिशन सर ओके आदित्य विल अंडरस्टैंड सर प्लीज स्टार्ट योर लेक्चर हेल्पिंग अस अ लॉट यस मंथली करंट अफेयर यस लाइव लेक्चर ही रखिए ओके आई एम गोइंग टू गेट इन द लाइव ओनली ओके तो याद रखिए कोई डाउट मेरी को है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ओके तो करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करें ये बता दो मुझे कब से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं ले लूँ है ना तो लाइव में थोड़ा अच्छा लगता है वरना तो सर ऐसा होता है जब मन करे तब देखेंगे प्लीज़ 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 लाइव से पॉसिबल सर वो सब नहीं हो पाते आप आते हैं तो लाइव ही रखिए प्लीज मणिकांत कह रहे हैं अच्छा ठीक है पहले तो मुझे आप ये बता दो कि करंट अफेयर्स किस मंथ से स्टार्ट कर दें डे आफ्टर नहीं डे आफ्टर टू मॉर्निंग बोलो किस मंथ से किस मंथ की करंट अफेयर्स से स्टार्ट करें ये पूछ रहा हूँ अभी चल रहा है अप्रैल 2021 है ना किस मंथ से हम स्टार्ट करें बेटर रहेगा आपके लिए जनवरी से स्टार्ट करें और प्रीवियस से स्टार्ट करें ये पूछ रहा हूँ मैं अरे जून 2020 से स्टार्ट करें सर ओके अरे नहीं तनु मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कब से स्टार्ट करें मैं पूछ रहा हूँ मतलब जैसे करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे ठीक है तो किस मंथ से स्टार्ट करें जनवरी से स्टार्ट करें 2021 फरवरी या तो जून जैसे इन्होंने बोला अक्टूबर से स्टार्ट करें जनवरी 2020 से स्टार्ट करें नहीं भाई जनवरी 2020 से तो कोई मतलब ही नहीं है अक्टूबर 2020, जून 2020, जनवरी 2020, जुलाई फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स विजय लक्ष्मी गिरी अक्टूबर ऑनवर्ड्स जून चलिए देखते हैं है ना जून या जुलाई से कहीं से स्टार्ट करते हैं ओके okay. एटलीस्ट फ्रॉम अक्टूबर ओके ठीक है यूंग टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई ओके जुलाई 2020 से हम स्टार्ट करेंगे ओके okay. जून से नहीं स्टार्ट करेंगे जुलाई से स्टार्ट करेंगे ओके तो ज़्यादा सही रहेगा ओके जून ठीक है सर जुलाई वुड बी मच बेटर वॉट आई थिंक जुलाई वुड बी मच बेटर ओके सो जुलाई से स्टार्ट करेंगे हम लोग ओके okay. और जुलाई uh, 2020 के करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे है ना मैं आपको बता दूंगा कब से स्टार्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके सो तो जून कह रहे हैं आदित्य ठीक है जुलाई एक ही बात है यार कोई ज़्यादा पीछे नहीं है ओके चलिए करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे आई होप करंट अफेयर्स में लोग आएँ ओके कोई डाउट को रिज़ाइया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें पढ़ते रहें ध्यान रखिए कोविड का टाइम है सेफ रहें बहुत से लोगों के साथ बुरा हो रहा है पैसे वाले लोग भी मर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो भी मर रहे हैं कुछ ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कुछ वेंटिलेटर्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम तो हर जगह है बट इस प्रॉब्लम के बीच में पॉजिटिव रहना और पढ़ाई करना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो अगर आप ये भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को कमजोर नहीं समझें कि यार मेरे को इतना नहीं आता है मैं इतना वीक हूँ अगर आप इस टाइम पर भी पढ़ पा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएबल है ना आप इतना भी कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड ओके आज हमारे एक स्टूडेंट है जो हमारे रेगुलर कोर्स की स्टूडेंट थी शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उनका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया जो सेलेक्ट हो गई हैं तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहें देखिए रिजल्ट बहुत से रुके हुए हैं स्टूडेंट्स के बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं यू पी दिए हुए हैं मे बी उनका रिजल्ट भी अभी इंटरव्यू वैसे रुका हुआ है तो देखते हैं कि कौन कौन क्वालीफाई करता है बट स्टिल आप लोग भी पढ़ाई करते रहें देखिए धीरे धीरे करके सब सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप लोग कंटिन्यू रहेंगे लाइफ में ओके सो स्टडीज़ पे ध्यान देते रहें Uh, मस्ती भी करनी है पढ़ाई भी करनी है इसमें आपका हेल्थ और में, हेल्थ भी मेंटेन रहे याद रखिएगा हेल्थ ख़राब हो गई तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है फिट रहें फाइन रहें चीज़ों को अच्छी चीज़ों को खाना खाएँ डाइट प्रॉपर रखें हो सके तो थोड़ा थो बहुत वॉक वगैरह या कोई स्पोर्ट्स बैडमिंटन हो गया दैट वुड बी वॉकिंग हो गई रनिंग हो गई ये सब एक्टिविटीज़ करते रहो मेरा मानना है इससे आपका माइंड जो होता है ना वो ज़्यादा चलता है कुछ लोग की अगर प्रॉब्लम होगी भूलने की सर मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ तो मेरा मानना है थोड़ा सा योगा या तो फिर थोड़ा रनिंग वगैरह भी किया करो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी एक बात ध्यान रखना तो जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपको एडवांटेज है अगर आप अदर एक्टिविटीज भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा ओके ओके सो टेक केयर पढ़ाई कर जबलपुर में तीन दिन से खाली बेड नहीं है मणिकांत आई अंडरस्टैंड कहीं बेड नहीं है कहीं कुछ नहीं है ओके बट स्टिल आप घर में रहें और आई अंडरस्टैंड मुझे भी अभी किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम आई थी मैंने अभी स्टेटस डाला था बिकॉम इज वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल आप लोग तो पढ़ाई करते रहे देखो नेगेटिविटी तो हर जगह है उससे पॉजिटिविटी निकालना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट ओके सो टेक केयर पढ़ाई करते रहें बेस्ट ऑफ लक बाय बाय